बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे वीआईपी सड़कों पे कुत्ते घुमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे वीआईपी सड़कों पे कुत्ते घुमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीसी कार्यालय की बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर जो वकीलों का सिविल रोड को लेकर रोष जो है वो आज तीसरे दिन भी जारी है। और उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो एडवोकेट्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। Bye.
माइक हटा दो, माइक की जरूरत है यार, माइक की जरूरत नहीं है। हमारी ये हड़ताल केवल एक ही मुद्दे पे नहीं थी, पहले तो इसी मुद्दे पे थी कि हम अपनी गाड़ियों पे, हमारी गाड़ियों को यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्टेड रोड से, जबकि हमारे से जो आज की डेट में जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अधिवक्ताओं के लिए रास्ते सदैव खुले रहेंगे। आज वो रास्ते इन्हीं जजों ने, जो लोकल जजेज हैं यहाँ के, उन्होंने बंद कर दिए। लोकल जजेज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लोकल जजेज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हाई कोर्ट मुर्दाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम अपने बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर श्री ओ पी चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुद्दों को जनता के बीच में रखे। को बंदी कर दो, चलेगा चलेगा सर, ये बोल रहे नहीं भाई, नहीं भाई, ठीक है आप आज जनता पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले एक हफ्ता से शिमला बार एसोसिएशन के 1400 मेंबर्स कोर्ट्स का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले कल हिमाचल हाई कोर्ट में भाई फैसला कर लो, करना क्या है सर, आपको जो ठीक लगता है आपको जैसा भाई ठीक लगता है बोलो आप जैसे। पिछले कल हिमाचल हाई कोर्ट में भी काम बंद था, आज सारे हिमाचल प्रदेश में सारी कचहरियां जिला में बंद हैं, तहसीलों की कचहरियां बंद हैं, और लोग और समाज के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आखिर हिमाचल की मशीनरी में वो कौन सा पेच ढीला है जो न्यायिक व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार और कोर्ट्स तो ये कहती हैं हर घर दरवाजे तक हम न्याय देंगे, लोक अदालतों पर करोड़ों रुपए का घोटाला और गबन हो रहा है, और जनता दुनिया ये पूछती है कि आज कोर्ट्स बंद क्यों हैं। लोगों में ये बात फैलाई जा रही है, हम कुछ उसमें सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि वकीलों को सील्ड रोड पे अपनी गाड़ियां चलानी, अगर थोड़ा बहुत भी कोई थोड़े तरीके से सोचना शुरू कर देगा, आम आदमी की बस एक मेमोरी छोटी होती है, जो लोग सड़कों से चलते फिरते सोचते हैं, आप देखिए एक एक बार करके आपकी याद को, याददाश्त को ताजा करते हैं। डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस और कमेटी का दफ्तर आम आदमी का काम होता है, इन दफ्तरों में बुजुर्ग आता है, बच्चे आते हैं सर्टिफिकेट लेते हैं, नौजवान आता है, महिलाएं आती है,
और ये चार दीवारियों में बैठ गए, इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड रोड है, कोई नहीं आ सकता। जिस किसी ने आना होगा वो 3000 का परमिट बनाएगा, पर वो डिपेंड करेगा पुलिस पर, जो उनका दोस्त होगा वो आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। आम पब्लिक क्या करती है, चलो जी जो किस्मत में होगा वो ठीक है, भगवान ही करेगा। ये निराशा है समाज में। यहां से पिछली रिजीम में कोर्ट बदल दी, कोर्ट को ले गए 14 किलोमीटर बाहर, शिमला से बाहर, कि ये न्यायिक व्यवस्था यहां नहीं चाहिए, यहां तो सिर्फ रिश्वतों के दफ्तर चाहिए। जहां फ्रॉड रजिस्ट्रियां होती हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी अपने नाम होती है, सर्टिफिकेट जारी होते हैं, किसको परमिट मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं, ये दफ्तर हैं वो लोग। आम आदमी सवाल नहीं उठाता, वो बेचारा घर को चला जाएगा, धनिया किसी ने हरा दिया तो ठीक है, नहीं तो सड़ा ही सही। अब सवाल ये हुआ कि कोर्ट कैसे चलेगी, हाई कोर्ट पार है, हमारे न्यायाधीश लोग जाते हैं, आम आदमी को पता नहीं है, उनको माय लॉर्ड बोलते हैं, गाड़ियां हैं, झंडे हैं, आगे पुलिस है, तो लोग पहुंच जाते हैं। पार को जजेस गए, 18 कोर्ट्स लगती हैं, 18 जजेस बैठते हैं, कोई चौड़ा मैदान से जाता है, कोई एजी ऑफिस से जाता है, कोई कैसे जाता है, तो कोर्ट में बैठते हैं, और वकीलों को कोर्ट में जाने से रोक दिया, आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे। अब सवाल यह हुआ आम जनता और प्रेस में कि इन सड़कों से आखिर जाता कौन है, ये किसके लिए बनाई है आपने सड़कें, इन्होंने तो बनाई नहीं, सड़कें बनाने वाले तो चले गए, अब इन सड़कों से जाएगा कौन। तो लोगों ने कहा, और हम कहते हैं और आम लोगों को यह बात समझनी है, जज जाएंगे, आईएएस अफसर जाएंगे, पुलिस के लोग जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जाएंगे, और उनकी गाड़ियों में कुत्ते भरे होते हैं, उनके वकील नहीं जा सकता, आम आदमी नहीं जा सकता, सीनियर सिटीजन नहीं जा सकता। अब दो शब्दों में मैं समझाता हूं, कोशिश करता हूं, ये वकील होते कौन है, वकील उस न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसको बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया तस्दीक करती है। हम डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। अगर कोर्ट का ऑफिसर कोर्ट में नहीं पहुंचेगा, उसको रोका जाएगा, तो उसके पीछे मंशा क्या है, हाई कोर्ट और सरकार रोकती है, वकील नहीं जाएगा इस रास्ते से, वकील चक्कर में अगर जाएगा, हाई कोर्ट में अगर जाएगा, तो वहां क्लब नहीं है खुला हुआ कि ताश खेलने जा रहा है या शराब पीने जा रहा है। हमारी बीवियां रात को जुआ भी खेलती है क्लबों में, वो शराबे नहीं पीती हैं। हम अपने काम के लिए जाते हैं और जहां हाई कोर्ट ने भेजा वहां जाते हैं। आज ये रास्ते बंद है तो आम लोगों को पूछना है कि हमारे रास्ते बंद क्यों हुए, आप क्या करना चाहते हैं उन कचहरियों में। अब ये सरकार का भी आ जाती है बात बीच में, हमारे नए मुख्यमंत्री है, आ गया, वो हो गया, साल डेढ़ साल हो गया, आपका तमाशा ड्रामा बंद करिए, काम करना आप भी शुरू कर दो, मैं नया हूं, मैं उधर से आया हूं, मैं जंजाली से आया, हो गया सारा, ठीक होगी सारी बात।
अब आ गए तो काम करना शुरू करो। हेलीकॉप्टर का भी शौक होता है, मैं भी बनूंगा तो मैं भी उसी में रहूंगा। तीन बार दिल्ली जाना, भूल गया जी मैं एक बात करनी, भूल गया दोबारा चलो, ये होता है, शौक होता है। वीआईपी कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीआईपी कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्यमंत्री और उनके सरकार को अब मैं दुर्भाग्यवश कहूं या सौभाग्यवश कहूं, हमारा भी वकील साथी वहां लोकल एमएलए मंत्री है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कचहरी चलती है नहीं चलती है, वकील जाते हैं जा जाते हैं, कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। ठेकेदार शाम को आते हैं, क्या कमाया जी आज? सर कर दिए बात बाहर आपके आदमी से, ठीक है। आम आदमी को कुछ पता नहीं है। जब कचहरियों को जाने की बात हुई तो लोग हमारे को हंसते बोल देते थे, आप वकील जाना नहीं चाहते जी, वो तो काफी हाउस नहीं छूटता उनसे। आप बताइए कहां सोच पहुंच गई इस जमाने की, दुनिया कहां सोच रही है, और सवाल क्या है? हम शाम को अभी हम आ रहे थे एजी चौक से, दो गाड़ियां गई, कोई हम नंबर बता सकते हैं? उसमें कुत्तों ने बाहर मुंह निकाल करके बाहर वो गाड़ियां कुत्तों को ले जा रही थी। एक ड्राइवर हमारा जानने वाला था, उसने बेचारे ने नमस्ते कर दी, चलो नहीं तो आजकल तो हम सड़कों पे घूम रहे, कोई जो जानने वाला वो भी मुंह परे को करता, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा भाई ये कुत्ते कहां ले जा रहा है? बोले ये साहब का कुत्ता है, उसको इंजेक्शन लगना है, जरा वहां ले जा रहा हूं। वीआईपी सड़कों पे कुत्ते घुमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और हमारे जो न्यायाधीश हाईकोर्ट में है, हम में से गए हुए हैं, बाकी तो आते जाते रहते हैं, कोई तमिलनाडु से आएगा कि कोई आंध्रा से आएगा, कोई उधर झारखंड से आएगा, किसी को भाषा समझ नहीं आती, किसी को वेशभूषा समझ नहीं आती, तब तक वो चला जाता है। लेकिन आज नारे लग रहे हैं, आपके खिलाफ विरोध है, आपके खिलाफ रिजेंटमेंट है, आपको यह बात समझनी चाहिए। जब जजीज के खिलाफ नारे सड़कों पर लगे तो आप समझिए कि कोई न्यायिक व्यवस्था में कोई खामी है। आज नारे लग रहे हैं कि भाई ये जो लोकल जजीज हमारे हाई कोर्ट में है, मां न्यायाधीश लोग हैं, इनको ट्रांसफर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगले कल पूरे हिमाचल प्रदेश में कोर्ट्स बंद रहेंगी। दूसरी बात क्या है जो आईने के पीछे है, और लोग जिसके बारे में जिन लोगों को पता है वो बोल नहीं सकते, डर है, संकट है, भय है, और जो लोग नहीं जानते वो जानना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं वकील तो जी हर साल करते हैं, हर छह महीने के बाद करते हैं। एक यही ऑर्गेनाइजेशन बचा है जो बुरे को बुरा बोलना चाहता है, गलत को गलत बोलना जानता है, और सही को सही बोलने की हिम्मत रखता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।